व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। इंपॉर्टेंट बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए है बस। लेकिन आज का जो लेक्चर स्टार्ट करूंगा मैं कुछ वन लाइनर पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। एक होनी है छोटी छोटी जो न्यूज़ है, पहले स्टार्टिंग में वो कवर करूंगा, उसके बाद फिर डिटेल में थोड़ी न्यूज़ देखेंगे, ठीक है। तो पहले इनके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ यहां से निकल कर आ रही है वन लाइनर में, ये है यहां पर गोवा की साइड से। गोवा में एक ड्रिंक होती है जिसको फेनी बोलते हैं, उसके ऊपर अब तक टैक्स नहीं लगाया गया था, पर अब 2021 से उसके ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया गया है, जो यहां पर प्रमोद सावंत गवर्नमेंट है। तो उसी के चलते बात जो निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है गोवा के अंदर, और गोवा फॉरवर्ड पार्टी जो है उसने बोला है गवर्नमेंट को कि वो यहां पर इसके खिलाफ जो भी यहां पर ये टैक्स लगाया वो वापस ले ले, तो नहीं तो और ज्यादा प्रोटेस्ट किया जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अब तक कोई एफर्ट नहीं डाला है कि जो ये हेरिटेज ड्रिंक है इसको पॉपुलराइज करने में, तो ये जनता के द्वारा पॉपुलराइज की गई है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स लगाने का कोई हक नहीं बनता है, पहली बात, ठीक है। तो याद रखिएगा गोवा में बात की जा रही है फेनी की, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर जो बात करते हैं, और हां शायद आई थिंक गोवा में फेनी को जीआई टैग भी दे रखा है क्या, इसको जाकर एक बार सर्च कीजिएगा, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, शायद गोवा को फेनी को जीआई टैग दे रखा है ये, क्योंकि फेमस ड्रिंक है किसी पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, हाँ या ना, ये जाकर सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। आगे बात करते हैं, यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात की जा रही है वाईफाई के बारे में। गूगल के द्वारा हमारी कंट्री में मिलकर रेलटेल गूगल पार्टनर साथ में मिलकर ये कोशिश की गई थी कि लगभग ये यहां पर वाईफाई जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, फ्री वाईफाई सर्विस, ठीक है। तो ये जो चीजें स्टार्ट की गई थी 2015 में, ये स्टार्ट की गई थी, अब यहां पर इसको बंद करने की बात की जा रही है। हालांकि इंडिया में अभी इसको बंद नहीं किया जाएगा, इंडिया में कंटिन्यू रहेगा रेलटेल के द्वारा, पर लेकिन जहां जहां भी और इनके द्वारा प्रोग्राम चलाए गए थे, ये लगभग 400 के करीब बिजिएस्ट जो रेलवे स्टेशन थे इंडिया, उनमें यहां पर चलाने की कोशिश की गई थी, अब इनको यहां पर ये आराम आराम से रोल आउट करेंगे। और इनका मानना यहां पर ये है कि देखिए आज की डेट में अगर प्रॉपर वे में चीजों को हैंडल करके चला जाए, तो कंडीशन ये है कि ऑलरेडी हमारी कंट्री में जो इंटरनेट की सर्विस इतनी अच्छी हो चुकी है कि इनको सर्विस प्रोवाइड कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो स्टार्ट किया गया था स्टेशन प्रोग्राम, तो ये था वाईफाई सर्विस फ्री प्रोवाइड कराने का, तो गूगल और रेलटेल मिलकर यहां पर काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो 2015 में स्टार्ट किया गया था इसको, और अब यहां पर बंद करने की इसको कोशिश की जा रही है। ये थी यहां पर सेकंड न्यूज, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज समझते हैं कौन सी। यहां पर जो नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको FATF बोलते हैं, इसकी मीटिंग हुई अभी पेरिस में, जिसमें 39 मेंबर हैं, और इनके द्वारा यहां पर ये बोला जा रहा है जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, तो कई बार तो बोला गया था कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा, पर पाकिस्तान ने कई सारे स्टेप उठाए अभी रिसेंटली, तो पाकिस्तान को शायद ग्रे लिस्ट में ही मेंटेन यहां पर रखा जाएगा। अब आगे क्या इसके बारे में होगा, जो भी चीजें डिटेल में होगी वो बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए जो उसने स्टेप उठाए हैं। तो ये जो यहां पर इसके ऑफिशियल हैं, खासकर इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप, जहां पर 39 मेंबर है, किसके, FATF के, जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, तो इसके द्वारा यहां पर ये कुछ बातें अभी बताई गई है। तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसको रिव्यू करने की कोशिश यहां पर की गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन करने की बात की जा रही है, मंडे से स्टार्ट किया गया। तो इसमें क्या किया जाएगा, अब यहां पर डिसाइड किया जाएगा किस पर्टिकुलर एरिया की यूनियन टेरिटरी, कितनी एरिया को डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है किस पर्टिकुलर एरिया में, जो बेसिकली पॉपुलेशन के बेस पर जो यहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, तो डिलिमिटेशन किया जा रहा है, तो वो अभी जम्मू एंड कश्मीर में उसको स्टार्ट किया गया है। तो ये है यहां पर न्यूज। नेक्स्ट आगे बातें करें, यहां पर ये बात की जा रही है इंडिया और यूएस के ट्रेड के बारे में, ठीक है। तो जो यहां पर आप लोगों को पता है कि यहां पर फरवरी के महीने में अभी 24 और 25 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इंडिया में आने वाले हैं, तो उसी के बारे में यहां पर इंपॉर्टेंट खबर है ये। तो अभी कोई कंफर्म नहीं है कि किस तरीके से यहां पर डील होने वाली है, क्योंकि कई सारी यहां पर अभी पोलम दिखाई जा रही है। और इसी के चलते एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, जो आप लोगों से डिटेल में मैं यहां पर कवर करूंगा, वो बात की जा रही है आगरा के बारे में, ठीक है। ये यहां पर बात की जा रही है आगरा के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो विजिट करेंगे इंडिया में, तो जब वो इंडिया में विजिट करेंगे तो उनका एक तरीके से एक विजिट उनकी आगरा में भी होने वाली है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। आगरा को जो पूरा सजाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आगरा में आएंगे, तो उसी के चलते कुछ और बातें हैं यहां पर। देखिए अगर आगरा की बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2019 जो यहां पर प्रस्तुत की गई थी, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आगरा की जो थी वो 85th पोजीशन पर थी, यानी कि कोई अच्छी पोजीशन आप लोग नहीं बोल सकते इसको। इसी के साथ में अगर पास्ट में आप लोग जाकर देखेंगे, पास्ट में यहां पर बिल क्लिंटन साहब जो थे वो आए थे ताजमहल की विजिट करने के लिए 2000 में। बराक ओबामा जी के द्वारा विजिट यहां पर शेड्यूल की गई थी 2015 में, पर लेकिन वो शेड्यूल जो मीटिंग थी वो पॉसिबल नहीं हो पाई थी सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। अब आप लोगों को यहां पर ये इंटरेस्टिंग लगेगा जानने में कि कितनी हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है।
पुलिस सोर्स के हिसाब से माने तो 4000 के करीब कांस्टेबल, 10 सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, 18 जो एडिशनल सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, 75 ये डिप्टी सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, 200 इंस्पेक्टर, 350 सब इंस्पेक्टर और 16 कंपनीज ऑफ सेंट्रल आर्म फोर्स। ये यहां पर एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। इसी के साथ में यहां पर इसको मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द अर्थ बोला जाता है, क्योंकि एक ऐसी कंट्री का प्रेसिडेंट है जो कि सबसे पावरफुल कंट्री है अर्थ पर आज की डेट में, तो उसके प्रेसिडेंट मोस्ट पावरफुल पर्सन उनको बोला जाता है। इसी के साथ में यहां पर ताज महोत्सव भी इवेंट यहां पर हो रहा है, तो इस टाइम पर यहां पर ये कहां पर आगरा में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। और नमस्ते ट्रंप कर प्रोग्राम यहां पर ऑर्गेनाइज कराएगा, केम छो ट्रंप जो था वो कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर यह ट्रंप के बारे में, ट्रंप ने रसिया को बोला है कि रसिया जो एट्रोसिटी फैला रहा है आज की डेट, वो रसिया जो सपोर्ट कर रहा है सीरिया में एट्रोसिटी फैलाने के लिए, उसको रोक दिया जाए वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इदलिब में अभी कई सारे लोगों की जान चली गई और पहले भी यहां पर जाती रहती है, तो रसिया के अंदर जो लोकेशन है उसके बारे में बात यहां पर की जा रही है। नेक्स्ट, ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग और छोटी सी न्यूज है, 2021 के बारे में अगर बात करें आप लोग, हमारी कंट्री ये जो वर्ल्ड कप है ये वुमेन का, ये हमारी कंट्री ऑर्गेनाइज कराएगी, नहीं मैन का हमारी कंट्री ऑर्गेनाइज कराएगी, और जो वुमेन वाला है ये साउथ अफ्रीका ऑर्गेनाइज कराएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बात की जा रही है यहां पर हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, तो याद रखना मैन इंडिया में और वुमेन होगा साउथ अफ्रीका में हॉकी का। ठीक है, आगे यहां पर बात करते हैं, हमारी कंट्री में जो 4 दोषी हैं जिनको फांसी की सजा सुनाई जानी है, वो फांसी की सजा जो है 3 मार्च फिक्स कर दी गई है 6 बजे। जो चारों को जो निर्भया केस हुआ था 2012 का, वो फांसी की सजा यहां पर सुनाई जाएगी। यहां पर 2 बार अब तक पोस्टपोन हो चुकी है, यहां पर अब देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनती है। तो इनके पास में जो भी अब तक के इनके पास में जो इनको यूज करने के जो वेपन थे वो ये यूज करते जा रहे हैं, अब आगे देखते हैं कोई और सिचुएशन निकल के न आए। ठीक है, तो इसी के चलते यहां पर ये फांसी जो है ये यहां पर इनको प्रोवाइड कराई जाएगी। कब ये दी जाएगी? मार्च 3 में 6 बजे सुबह। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यूके की एक मिनिस्टर के बारे में, एक एमपी के बारे में, सॉरी मिनिस्टर नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी, तो उनके बारे में बात की जा रही है, डेविस अब्राहम। ये हमारी कंट्री में आ रही थी बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के, तो इनको एज ए इलीगल तरीके से ट्रीट किया गया, क्रिमिनल के तरीके से, और इनको डिपोर्ट कर दिया गया वापसी। ठीक है, तो डेविस अब्राहम, तो इनका भी नाम आप लोग याद रखते हैं, कभी न्यूज में देखने को मिले तो पता रहना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है लैंड रिवेन्यू के बारे में, तो लैंड रिवेन्यू और इसी के लैंड रिवेन्यू की जो रिसिप्ट होती है और जो यहां पर पैन कार्ड होता है जिसको आप लोग परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं, पैन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, तो ये जो है यहां पर और इसी के साथ में जो बैंक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सिटीजनशिप का प्रूफ आप लोग नहीं मानेंगे, यानी कि सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है कि आप लोग सिटीजन है इस इंडिया के। ठीक है, ये बात बोली गई है गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा, और किसके लिए बोली गई है? ये बोली गई है आसाम में, आप लोगों को पता है आसाम में जो एनआरसी उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो 1971 जो कट ऑफ डेट रखी गई है तो उसमें ये वाले डॉक्यूमेंट अगर आप लोग लेकर आ रहे हैं तो इनको प्रस्तुत वहां पर नहीं किया जाएगा, इलीगल इमिग्रेंट इनको माना जाएगा अकॉर्डिंग टू आसाम अकॉर्ड जो 1985 में साइन किया गया था। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम एंथम यहां पर लॉन्च कर दिया गया स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा। तो यहां पर ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि डायरेक्ट आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, जो एक एक पॉइंट की न्यूज थी। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा डिटेल में यहां पर नजर डालते हैं, डिटेल में न्यूज क्या क्यूज तो आप लोगों का रह गया आइए अब आज का क्यूज देखते हैं। सबसे पहले अच्छा कैसा रहेगा कि स्टार्टिंग में वन लाइनर की कुछ न्यूज आप लोगों से डिस्कस कर ली जाए जो एक एक पॉइंट की रहती है, और उसके बाद में फिर जो बड़ी बड़ी न्यूज है उसको डिस्कस कर ले, तो आप लोगों का पहले वाला पैटर्न ही बन जाएगा। और कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर पीआईबी इसमें देखने को मिलती नहीं है, देखिए पीआईबी के ऊपर अलग से मैं सेक्शन नहीं डाल रहा हूं, कई सारी न्यूज आप लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि एक तरीके से जब न्यूज़पेपर प्रिंट किया जाता है ना तो वो क्या करते हैं, वो सारी न्यूज देखते हैं कि गवर्नमेंट की कहां से न्यूज निकल कर रही है, सारी न्यूज को इकट्ठा करके वो यहां पर छापते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोगों की कवर हो रही है, आप लोग ऑल इंडिया रेडियो भी उठाकर देखोगे उसकी भी न्यूज आप लोगों को यहां पर मिलेगी, अलग अलग पॉइंट नहीं डाल रहा हूं उस पर, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, चीजें सारी कवर हो जाती हैं, हो सकता है कि कोई न्यूज एक आधी रुक जाए वो एक दो दिन के बाद में आ जाती है, पर लेकिन अगर प्रॉपर वे में आप लोग इन दोनों वीडियो को हैंडल करके चल रहे हो तो इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं करंट अफेयर में आप लोग मात नहीं खाओगे। ठीक है, ये बात मैं आप लोगों को लिख कर दे सकता हूं। ठीक है, और ये भी किस लेवल की, कम से कम यूपीएससी के लेवल की और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लेवल की, ये बातें आप लोग अच्छे से फॉलो करके चलिए, प्रैक्टिस करते रहिए और फिर आप लोग अच्छे चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। ओके, तो इतना कम से कम आप लोग जो पास्ट के पेपर भी आप लोग दिखा देख रहे होंगे आप लोगों को पता चली जाता है कि किस लेवल की पढ़ाई की जाती है, तो वो तो आप लोग जानते हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर गुवाहाटी के बारे में बात की जा रही है, लार्जेस्ट सिटी है नॉर्थ ईस्ट एरिया में, यहां पर एक लिजार्ड यानी कि एक छिपकली की अभी प्रजाति मिली है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है
कुछ पर्टिकुलर एरिया में, खासकर किस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर अभी जो बंदर हैं वो यहां पर मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी जनसंख्या उनकी देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में यहां पर उनको मैनेज करने की बात की जा रही है। जबकि लेपर्ड जो है उनके लिए सहानुभूति आ गई है यहां पर राज्य के अंदर में, और बंदर जो है वो मुर्गियों को खा रहे हैं, मार मार कर इंसानों का खाना खा रहे हैं, तो ये कंडीशन देखने को मिली। तो कहां पर ये प्रॉब्लम अभी निकल कर आई, जिसको आप लोग मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का भी एक उदाहरण लेकर आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। GISAT की बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि यहां पर प्लान किए गए हैं हमारी कंट्री में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए। ये कहां पर होता है, ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है, ठीक है, याद रखना, या जियो स्टेशनरी वर्ड आप लोग याद रखना। आगे बात करते हैं यहां पर, ये परसेंटेज ऑफ 11.5 जो टोटल अभी हमारी कंट्री में जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं उनकी जान चली गई है, और सबसे ज्यादा है हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर राज्य में, तो कौन सा है वो राज्य, और हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करेंगे कितनी परसेंटेज है ये, तो वो आप लोग को बतानी है। एवरेज राज्य में यहां पर काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अगर एवरेज कंट्री की बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा प्रोवाइड कराई गई है, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फिफ्थ इंडिया रशिया मिलिट्री इंडस्ट्री, ये अभी डिफेंस एक्सपो में देखने को मिली, 2020 का डिफेंस एक्सपो, तो 2020 का डिफेंस एक्सपो ये कहां पर हुआ ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें तो इसको बोला जा रहा है कि कम से कम आप लोगों को 9% का ग्रोथ चाहिए, और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात बोल रहे हैं फॉर्मर प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन है मोंटिंग सिंह अहलूवालिया, तो उनकी एक अभी किताब उनके द्वारा लिखी गई है, उस किताब में इनके द्वारा बताया गया कि कैसे आप लोग ये यहां पर इकोनॉमी को अचीव कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोग ये ग्रोथ ला सकते हैं, तो ये किताब का नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। आइए आंसर देख लेते हैं, मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर लिखेगी, जिससे मुझे आइडिया लगता रहता है, और थोड़ा सा देखिए लेक्चर जब डिटेल में डिस्कस करते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें थोड़ी सी लेट हो जाती हैं, तो हल्का सा उसको आप लोग मैनेज कीजिए। चलिए जो भी है थोड़ा सा कुछ मैं मैनेज करता हूँ, कुछ आप लोग कीजिए, क्योंकि कई बार जो चीजें होती हैं कई सारे और भी काम पड़ जाते हैं, तो कुछ अर्जेंटली कई सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो ये लेक्चर आप लोग का लेट हो जाता है, जबकि मॉर्निंग वाला लेक्चर आप लोग का टाइम पर मिल जा रहा है, आप लोगों को लगभग 7:30 बजे के एयरफेयर में आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको मैनेज करते हैं। चलिए थोड़ा सा फिक्स करूंगा, कई सारे बच्चे बोल रहे थे 1-2 दिन का और टाइम दीजिए मुझे, चीजें थोड़ी सी फिक्स कर देता हूं फिर कि किस टाइम आएगी, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, और वो तो मैंने आप लोगों को वैसे बोला था कि टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर आप लोगों को लिंक मिल जाता है, तब जाकर आप लोग देखते हैं। चलिए थोड़ा सा और मैं भी करता हूं, ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चों के मैसेज पढ़ रहा था तो कई सारे बच्चे बोल रहे थे, तो करता हूं मैं इसको, ठीक है। तो यहां पर ये जो बात की जा रही है, यहां पर आप लोगों से पूछा गया था लिजार्ड के बारे में, तो इसका नाम आप लोग याद रखते हैं, इसका नाम जो अभी यहां पर प्रेजेंटली देखने को मिला, तो जूलॉजिकल इसका नेम है सेटोडेक्टस अर्बेनस, ठीक है, तो जो ये पर्टिकुलर इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, आसाम है वो एरिया जहां पर यहां पर अभी रिसेंटली कई सारे जो बंदर हैं उनके द्वारा काफी आतंक मचाया गया, और उसके चलते कई सारी मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिली। नेक्स्ट बात की जाए GISAT के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, जियो इमेजिंग सेटेलाइट, जियो इमेजिंग सेटेलाइट जो है यहां पर ये प्लान सेटेलाइट हमारी कंट्री में किए जा रहे हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट सॉरी, जो कि काफी फायदे यहां पर पहुंचाएंगे। क्या हो गया? नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो न्यूबॉर्न बेबी है, देखिए जब न्यूबॉर्न बेबी की यहां पर बात की जा रही है, तो यहां पर बात की जा रही है कि जो 28 दिन के अंदर के जो बच्चे हैं, ठीक है, 28 साल के बच्चे तो उनकी जो डेथ हो रही है काफी ज्यादा है, तो 11.5% देखने को मिल रही है एवरेज, और जो कि कंट्री में ओनली 7% है, तो ये काफी ज्यादा है जिसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर बात करें लखनऊ में, अभी आप लोगों को डिफेंस एक्सपो देखने को मिला, कई सारे डिफेंस के रिलेटेड डील भी वहां पर निकल कर आई, और इसी के साथ में बैक स्टेज है यहां पर किताब जो कि मोंटिंग सिंह अहलूवालिया जी के द्वारा लिखी गई है, और जिसमें इनके द्वारा ये भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कैसे चीजों को कंट्रोल करके चलना है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, और हाँ स्कोर जरूर लिखेगा, ठीक है, कि कैसा रहता है स्कोर, और पिछले के स्कोर के अपने आप लोग उसको मैच करते रहा कीजिए। वुमेन आर्मी ऑफिसर जो कि एलिजिबल है परमानेंट कमीशन के लिए, हालांकि ये एडिटोरियल वीडियो में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, फिर भी एक बार समझ लीजिए, परमानेंट कमीशन का मतलब होता है कि 10 साल तक लगभग आप लोग जॉब करें मिनिमम, और इसको 4 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, तो 14 साल तक यहां पर जॉब होती है परमानेंट कमीशन में मैक्सिमम, वो उसमें सॉरी शॉर्ट सर्विस कमीशन में। जब आप लोग परमानेंट कमीशन की बात करते हैं तो वहां पर 20 साल तक का कम से कम आप लोगों को जॉब करनी होती है, उसके बाद में फिर आप लोगों की जो भी रिटायरमेंट एज हो उस तक आप लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो पहले तो डिफरेंस ये है। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है यहां पर अगर सर्विस रूल बुक के हिसाब से देखा जाए तो इसको आगे चलकर परमानेंट कमीशन में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, पर लेकिन परमानेंट कमीशन को शॉर्ट सर्विस कमीशन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यहां पर एक तरीके से वॉलंटरी रिटायरमेंट ही उसको बोला जाएगा, ठीक है।
अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है जो वुमेन है जिनको शॉर्ट सर्विस कमीशन में रखा जाता था उनको परमानेंट कमीशन में इंक्लूड करने की बात की गई है, और इसी के चलते जो यहां पर अभी 10 ईयर ओल्ड अपील थी लगभग 2010 से यहां पर जो सिचुएशन थी वो पड़ी हुई थी, अब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 3 महीने के अंदर अंदर इसको इंप्लीमेंट किया, और जो यहां पर एक पर्टिकुलर सेक्स को लेकर यानी कि वुमेन को लेकर जो आप लोगों की स्टीरियोटाइप थिंकिंग है उसको आप लोग साइड में फेंकी उतारकर यानी कि एक तरीके से वुमेन को भी आप लोगों को यानी कि जो औरतें हैं हमारी सोसाइटी में उनको भी कंधे से कंधा मिलाकर चलना है जब कंट्री की सिक्योरिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर यह भी बोला गया जस्टिस चंद्रचूड़ जी के द्वारा कि 30% के करीब जो वुमेन है ना उनको डिप्यूटेशन में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट जोन में रखा जाता है, तो फिर सारी वुमेन कॉन्फ्लिक्ट जोन में काम क्यों नहीं कर सकती, जिसका आप लोग हवाला देते हैं यहां पर जो गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि साइकोलॉजिकली वीकर होती है वुमेन। तो वुमेन साइकोलॉजिकली वीकर होती है ये किसने बोला, तो ये तो बिल्कुल एक गलत यहां पर बात बोली जा रही है। तो इस तरीके से कभी आप लोग मम्मी को देखो क्या लगती है हमारी मम्मी साइकोलॉजिकली वीकर है, पूरे घर को संभाल कर चलती है, इस तरीके से आप लोग कहां तक बोल सकते हैं कि वुमेन को इस तरीके से, तो एक गलत तरीका है चीजों को देखने का। हाँ थोड़ी इमोशनल बोल सकते हो कि हाँ थोड़ी इमोशनल होती है, रोने लगती है जब घर से निकल के चलते हैं मम्मियां कई बार, तो वो चीजें आप लोग बोल सकते हो, पर लेकिन साइकोलॉजिकली वीकर तो ये सही शब्द यहां पर नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रखिए आप लोग क्या सोचते हो, साइकोलॉजिकली वीकर है या फिर स्ट्रॉन्ग है, डब्ल्यू लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, आप लोग बताइए आप लोग क्या लगता है, अपनी मम्मी को माइंड में रखकर आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो काफी लंबी अपील थी, 10 साल तक यहां पर ये अपील चलती रही। आगे बात की जा रही है शाहीन बाग के बारे में। शाहीन बाग है क्या, शाहीन बाग दिल्ली में एक एरिया जहां पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, और प्रोटेस्ट किसके खिलाफ, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट और एनआरसी या फिर यहां पर एनपीआर। ठीक है, तो इन सब के बारे में यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हमारी कंट्री में जो इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, तो इनके प्रोटेस्ट में जो यहां पर जो औरतें हैं खासकर मुस्लिम महिलाएं वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया है जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक वैलिड डिसीजन भी है, क्योंकि प्रोटेस्ट का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है कि कितने लंबे समय तक ये चलता रहेगा। ठीक है, और प्रोटेस्ट जो है ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट के तरीके से भी इसको देखा जाता है हमारी संविधान में आर्टिकल 19 जो कि हम लोगों ने मॉर्निंग में ही डिस्कस किया था। तो इस तरीके से बातें यहां पर ये निकल के आती है कि यहां पर फंडामेंटल राइट आप लोगों के तब तक ही सही है जब तक किसी और के फंडामेंटल राइट का हनन नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये बोला है कि आप लोग प्रोटेस्ट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग तब तक वेट नहीं कर रहे हो जब तक जजमेंट आए इसके खिलाफ, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन आप लोगों को अगर राइट मिले हुए हैं प्रोटेस्ट करने के तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप लोग एक ऐसी जगह जाकर प्रोटेस्ट करें जिससे कि जनता को प्रॉब्लम ना हो, खासकर अगर ट्रैफिक चल रहा है या फिर कोई कोई बच्चे की स्कूल की बस जा रही है या फिर कोई इमरजेंसी में कोई अगर आप लोगों को देखने को मिले, जैसे कि जे मतलब जो डॉक्टर की गाड़ी क्या एम्बुलेंस डॉक्टर की गाड़ी, कई बार ना टर्म ना ऐसी होती है दिमाग से निकल जाती है, समझा रहा होता तो कई बार ना टर्म नहीं आती है माइंड में। ठीक है, डॉक्टर की गाड़ी, तो जो डॉक्टर की गाड़ी होती है तो जो एम्बुलेंस होती है तो उनको रास्ता नहीं मिल पाता है, तो इससे क्या होती है, देखिए प्रॉब्लम पड़ सकती है, किसी की जान जा सकती है, तो ये कितने हद तक वैलिड है, तो ये वैलिड नहीं है। तो प्रोटेस्ट कीजिए आप लोग आराम से, और उसी के चलते यहां पर संजय जो हेगडे है इनकी अध्यक्षता में और एक और पर्सनैलिटी यहां पर जिनका नाम है साधना। ठीक है, तो साधना रामचंद्रन, तो इन दोनों को इंटरलोकेटर बनाया गया ताकि बात को डिस्कस किया जा सके और इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके कि किसी और दूसरी जगह पर जाकर प्रोटेस्ट किया जाए, इस तरीके से प्रोटेस्ट यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं किया जाए। तो यह है बेसिक पर्पस, देखते हैं आगे क्या सॉल्यूशन निकलता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर यह काफी इंटरेस्टिंग डेटा है जो कि हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा प्रोवाइड कराया गया। इसमें यह बोला गया कि 84 जो माइनॉरिटी है यहां पर वो आज के दिन में जो जेल में है माइनॉरिटी वो मुस्लिम कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। 50% जो करीब यहां पर तिहाड़ जेल में जो यहां पर बंद है आज के दिन में वो बैकवर्ड क्लासेस है, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस में कौन आएगा, SC ST या फिर OBC, तो 50% के करीब लोग वो हैं, और इसमें अगर माइनॉरिटी में अगर आप लोग इंक्लूड करें अलग से, ठीक है, तो उसमें लगभग 84% मुस्लिम कम्युनिटी है। तो ये डेटा यहां पर दिखाने की भी कोशिश की जा रही है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो गरीब तबका है सोसाइटी का वो ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन में है एज कंपेयर टू जो अमीर तबका है। अमीर तबका है तो फंसता नहीं है, और फंसता है तो वो वैसे निकल लेता है, तो फंसता कौन है, गरीब तबका, गरीब स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। तो उसी के ऊपर फोकस यहां पर किया जा रहा है, और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किसके द्वारा की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा यहां पर प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, तो ये डेटा है जो आप लोग यूज कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है केजरीवाल जी के बारे में। तो केजरीवाल जी के द्वारा अपने आप में कोई भी मिनिस्ट्री इनके द्वारा नहीं रखी गई है, सारा ओल्ड ही जो पैटर्न था लगभग वही फॉलो किया जा रहा है, और अपने आप में कोई भी मिनिस्ट्री नहीं रखी है। और नेक्स्ट जो इनका टारगेट है वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके गुजरात मॉडल दिखाकर देश के इलेक्शन जीते गए, इसी तरीके से अब ये दिल्ली मॉडल दिखाकर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन जीतेंगे जो कि 403 सीट है। ठीक है, और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश में अगर कोई एक बार जम जाता है तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां अगर कोई एक बार जाकर बैठ गए, समझिए कि सेंटर की पॉलिटिक्स
उसके कंट्रोल में आ गई। क्यों? क्योंकि 543 टोटल सीटें हमारी कंट्री में जब हम लोग बात करते हैं अपनी लोकसभा में, इसमें से 80 सीट जो है वो लोकसभा की, वो अकेले उत्तर प्रदेश से आती है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश इधर को करवट बदल लेता है, ये समझिए सेंटर की पॉलिटिक्स उधर को पलट जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट, यहां पर एक चित्रकारी की जा रही है, तो चित्रकारी सुहानी है, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? ये है आसाम के अंदर। कई बार जब आप लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं तो कई सारे नेशनल पार्क का नाम दे देते हैं और सामने आप लोग स्टेट का नाम देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है ये उड़ीसा की तरफ से निकल कर आ रही है। उड़ीसा एक बार आप लोग देख लीजिए लोकेशन, ये हो गया यहां पर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल टच करता है झारखंड छत्तीसगढ़, और इसी के साथ में यहां पर ये हो गया आंध्र प्रदेश। उड़ीसा को तेलंगाना टच नहीं करता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल हो गई। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक साहब, इनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी मो सरकार। तो मो सरकार जो इनिशिएटिव यानी कि माय गवर्नमेंट, तो उसके अंदर इनके द्वारा सारी जो डिपार्टमेंट है उनको ला दिया गया है। अब यहां पर अगर कोई उड़ीसा के अंदर है उसको अलग अलग से चीजें कहीं और जा रखकर लेने की जरूरत नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन उसको ऑनलाइन एक जगह इकट्ठी यहां पर मिल जाएगी एक अकेले प्लेटफॉर्म पर। तो मो सरकार माय गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव है, तो सारे डिपार्टमेंट यहां पर इसके अंदर लाए जाएंगे ताकि जनता तक जो चीजें हैं वो आराम से पहुंचाई जा सके और डिलीवरी को और अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। इनके द्वारा यह भी बोला गया कि 8 मिलियन के करीब जो पीपल है उनके द्वारा पॉवर्टी यानी कि गरीबी से बाहर निकाले गए इस ड्यूरेशन में, तो यह भी एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और इसी के चलते जो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा, जिसके चलते सारे डिपार्टमेंट के जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो करप्शन होता है वो पैसों में होता है, तो पैसों को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएगी। तो मो सरकार जो इनिशिएटिव है ये किसका है? ये है यहां पर उड़ीसा गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार ऐसे। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग पॉइंट बोल सकते हैं। अभी यहां पर रिसेंटली एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट आप लोग बोलते हैं। स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट जो है इसमें यहां पर यह पाया गया कि बहुत सारी जो बर्ड्स की संख्या हमारी कंट्री में वो कम होती जा रही है। और क्या रीजन बताया गया? एक तो हैबिटेट का लॉस यानी कि जहां पर वो रहती है पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं उसको खत्म करते जा रहे हैं। दूसरा, जो टॉक्सिक चीजें कई सारी देखने को मिलती है, जैसे पानी पीते हैं कहीं पर वो टॉक्सिक है, कुछ खाना खाने जा रहे हैं खेतों में हम लोग कुछ यूरिया वगैरह डालते हैं वो टॉक्सिक है। इसके द्वारा हंटिंग की जाती है, शिकार किया जाता है, कई बार फंस जाती है, जैसे पतंग वगैरह उड़ाते हैं उसमें बहुत सारी कटती पिटती रहती है। तो वो सारी चीजें भी अगर मिलाएंगे तो बहुत लार्ज स्केल पर यहां ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिसके बारे में हम अभी यहां पर सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। तो अगर आप लोग बात करेंगे तो फिफ्थ इंडिया बायोडाइवर्सिटी, अगर आप लोग बात करें अभी रिसेंटली के बारे में, तो हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है लास्ट 25 सालों में, तो लगभग 80% के करीब जो नॉर्मली बर्ड्स आप लोगों ने आसपास भी देखा होगा यार, जो चिड़िया आसपास दिखा करती थी कि आप भी दिखती है, तो 80% के करीब यहां पर कॉमन लॉस यहां पर देखने को मिल रहा है। और ये 10 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर ये स्टडी पब्लिश की गई है जिसको स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट बोला जा रहा है। आने वाले टाइम में और ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में बहुत सारी ऐसी बर्ड है जो IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की कई सारी अलग अलग कैटेगरी होती हैं, जैसे डेंजर होती है, इसी के साथ में कई सारी अलग कैटेगरी से आप लोगों को देखने को मिली है, रेड लिस्ट वगैरह हो गई। ठीक है, तो रेड लिस्ट में जो जो कैटेगरी यहां पर डालते हैं, तो एक्सटिंक्ट हो गया, डेंजर हो गया, वो सारी, तो उसमें कई सारी अलग अलग कैटेगरी में आ गई है। तो किस तरीके से हम लोग कहां जाकर रुकेंगे उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर एक किताब के बारे में बात किया जा रहा है, किताब है यहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि 185वीं बर्थ एनिवर्सरी हम लोग 2019 में गांधी जी की सेलिब्रेट करके अभी आए हैं, तो इसके चलते क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्योंकि वो जो सेलिब्रेशन है वो एक साल तक चलने वाला है पूरा। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो जो किताब का टाइटल है वो है गांधी जी को समझने का सही समय, यानी कि अभी गांधी जी को समझने का सही समय है। तो जेएस राजपूत के द्वारा यहां पर ये किताब जो है वो लिखी गई है, जो कि फॉर्मर जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च NCERT के चीफ भी रह चुके हैं। ठीक है, और यहां पर जो प्रस्तुत की गई है ये मोहन भागवत जी के द्वारा, जो कि RS के चीफ है, ये प्रस्तुत की गई है। तो यहां पर गांधी जी को समझने का सही समय, रीजन क्या है यहां पर इसको ऐसे क्यों बोला गया? क्योंकि गांधी जी के द्वारा जब भी बोला गया प्रोटेस्ट करो तो जनता के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, पर लेकिन जब उनको लगा प्रोटेस्ट सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो उन्होंने उस प्रोटेस्ट को रोक भी दिया गया है। पर लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट स्टार्ट तो हो जा रहे हैं पर लेकिन उसको कोई रोकने की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। तो यहां पर अगर आप लोग कोई चीज स्टार्ट करें तो आप लोग को पता भी चलना चाहिए कि अगर सही नहीं जा रही है वो, तो उसको कम से कम रोक लिया जाए। और ये बोला जा रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके चलते मोहन भागवत जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। तो गांधी जी के द्वारा जो था उनके जो एक्सपीरियंस थे प्रोटेस्ट के, वो थे कि अगर गलत डायरेक्शन में जाए तो वो उसको कंट्रोल कर लेते थे। ठीक है,
चोराचारी कांड के चोराचारी जो जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद में उनके द्वारा प्रोटेस्ट कंप्लीटली वापस ले लिया गया, क्योंकि उनको पता था कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज इतने ताकतवर है बहुत सारे निहत्ते लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार देंगे, तो इसके चलते उन्होंने सोचा कि उसको एक तरीके से वापस ले लिया जाए, क्योंकि वो क्योंकि एक तरीके से वायलेंस हो गया और उन्होंने नॉन वायलेंस बोला था, तो वो समझते थे, तो उन्हीं के बारे में ये किताब है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट किताब है, ऐसी किताबें आप लोगों से बड़ी ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर जी को यहां पर अवार्ड दिए जा रहे हैं, यहां पर ये वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड अभी देखने को मिल रहा है जो कि लोरेसेस, ठीक है, कहां पर ये मिला, बर्लिन। ठीक है, तो यहां पर इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद इसके बारे में रख सकते हैं, खासकर जो स्पोर्ट है वो भी काफी लार्ज स्केल पर चीजों को यूनाइट करता है, बोला जा रहा है स्पोर्ट यूनाइटर्स। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि देखिए जब स्पोर्ट जो होता है तो अलग अलग कंट्री आपस में मिलजुल कर बात करती हैं, गेम्स वगैरह होते हैं, तो काफी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये जो पिक्चर है ये 2011 का वर्ल्ड कप जब इंडिया के द्वारा उठाया गया, तो शानदार टाइम था, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जी को बैठाकर पूरे स्टेडियम में घुमाया गया था, तो काफी अच्छा इवेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं, तो आप लोगों ने इसके बारे में शायद देखा भी होगा उस टाइम पर मैच वगैरह, यार सारी चीजें उस टाइम पर बहुत ही इमोशनल मोमेंट, शानदार मोमेंट, एक अलग ही तरीके का माहौल था पूरे स्टेडियम में। किस किस ने देखा था वो फाइनल मैच बताइए नीचे अपना एक्सपीरियंस कैसा था। आगे चलते हैं, आज का क्विज आ रही है, देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर बात बताई की जा रही है कि जो अभी यहाँ पर जो बात की गई है एक पर्टिकुलर जज के बारे में, तो किस जज के द्वारा यहां पर बोला गया कि 30% के करीब जो वुमेन ऑफिसर है वो डेप्यूटेशन पर है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है किस जज के द्वारा दिया गया ऐसा बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरलोकेटर यहां पर अपॉइंट किया गया दो पर्सनैलिटी को, शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें लोगों को हटाने के लिए ताकि नॉर्मल जनता को प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। 50% के करीब जो तिहार जेल में अगर आप लोग बात करें जो प्रिजनर है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इसी के साथ में बैकवर्ड क्लासेस के लोग देखने को मिलेंगे। ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कौन से प्रेसिडेंट थे जो लास्ट हमारी कंट्री में ताजमहल की विजिट पर गए थे, बराक ओबामा जी की विजिट जो थी 2015 में कैंसिल कर दी गई थी। नेक्स्ट यहां पर किस हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया कि बैंक अकाउंट या परमानेंट कार्ड ये सब चीजें जो है, देखिए मुझे समझ में ये नहीं आया आज की डेट में आप लोग सबके बैंक अकाउंट जो है वो किससे कनेक्ट है, वो आधार कार्ड से कनेक्ट है या फिर किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से कनेक्ट है, और आप लोग इन्हीं को जिनसे जिन आधार कार्ड को ये सारी चीजें जो हो गई वो सारे डॉक्यूमेंट जिसे सारी फैसिलिटीज आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं उन्हीं को आप लोग यहां पर ये एक तरीके से सिटीजनशिप नहीं मान रहे, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं लोगों के पास में सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, लोग इतने जागरूक नहीं है कि सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो एक पर्टिकुलर हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया ये डॉक्यूमेंट जो है ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होगा किसी भी तरीके से। वन हॉर्न राइनोज काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ये किस कहां पर है काजीरंगा नेशनल पार्क ये आप लोगों को बताना है। फैनी कौन से राज्य में काफी फेमस है ये आप लोग बताइए। इसी के साथ में फाइनेंस इलेक्शन टास्क फोर्स की जो मीट है अभी कहां पर हुई, जहां पर पाकिस्तान को हो सकता है कि इसी लिस्ट में रखा जाए ये डिसाइड किया जाए। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार, तब तक के लिए जय हिंद और हां सॉरी फॉर लेट, ओके चलिए एंजॉय कीजिए।